most beautiful of miracles. The more you read, the more you feel Allah's love with every beat. Al-Qur'an Nurun wa Bayan. Assalamu alaikum everyone, how are you all? I hope aap sab khairiyat se honge. आज इंशाल्लाह जेम्स फ्रॉम द कुरान में हम सूरह नबा की नेक्स्ट आया करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी फ़लस्तीन की करंट सिचुएशन के हवाले से. हम सब ने सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस देखी होंगी जो भी फ़लस्तीन में हो रहा है, मुसलमानों के साथ किस तरह से तशद्दुद किया जा रहा है और सारा कुछ. हम कुछ तो वीडियोज़ इतनी पेनफुल थी जो कि दिल दहला देने वाली वीडियोज़ थी. तो मैं चाहूँगी कि हम सब अपना अपना हिस्सा जो भी पार्ट प्ले कर सकते हैं वो करें. हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, हम डोनेशन कर सकते हैं और कुछ नहीं तो एटलीस्ट हम अपनी नमाज़ों में उनके लिए ख़ास दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, उनके हालात बेहतर करे. और जहाँ जहाँ पे भी मुसलमानों के साथ तशद्दुद हो रहा है या कोई भी मुसीबत परेशानियों से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला सब के हालात बेहतर करे, सब पर रहम करे. अब हम सूरह नबा की आय नंबर 10 को करते हैं इंशाल्लाह. पहले उसकी रेसिटेशन सुन लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन और तफसीर करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. औजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. Okay, so Surah Naba, ayah number 10. وجعلنا اور بنایا ہم نے الليل رات کو لباسا لباس. اور ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا. And we have made the night as a covering through its darkness. सूरह नबा की इस आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला अपनी एक और बड़ी निशानी को मेंशन कर रहे हैं जो कि नाइट है, यानी रात है. और यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है वो लिबास का वर्ड यूज़ हुआ है. सो लबिसा यल्बसू, इसका मीनिंग होता है छुपाना, कुछ अपने ऊपर ओढ़ना, लिबास पहनना. और ये जो लिबास का जो वर्ड है ना, ये एक बहुत अरबी में जामे लफ्ज़ है और इसके कई मीनिंग्स होते हैं. जैसे एक मीनिंग तो लिबास का क्या है कि ड्रेस, और दूसरा मीनिंग क्या है ऐब पोश, पर्दा पोश. और एक और मीनिंग इसका क्या है, बायस तस्कीन, यानी सकून का बायस, सकून का ज़रिया. और तो अल्लाह ताला इस आया में क्या फरमाते हैं कि अल्लाह हैज़ मेड द नाइट एज अ लिबास ओवर यू. सो ये सारे मीनिंग्स जो मैंने अभी मेंशन किए हैं वो सारे आ जाएंगे कि जो रात है, अल्लाह ताला ने रात को लिबास बनाया है, अल्लाह ने रात को ऐब पोश, पर्दा पोश बनाया है, अल्लाह ने रात को बायस तस्कीन, सकून का ज़रिया भी बनाया है. तो ये सारे मीनिंग्स आ जाएंगे. अब इन मीनिंग्स को हम थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेते हैं. तो अब रात लिबास कैसे है? इन अ वे ह्यूमन बींग्स वी कवर अवर सेल्व्स विद गारमेंट्स, राइट? एंड अल्लाह कवर्स द एंटायर अर्थ with night. It's like he gives this libas to the earth. Or agar aap gaur kare to aisa nahi lagta ki it's like somebody is pulling a black sheet over us. Aur kis tarah se slowly slowly sara area jo hai wo dark hota jata hai. And no matter what we do, but we cannot make that night into day. We cannot remove that darkness of night. जैसे एक मिसाल ले लें क्रिकेट ग्राउंड की, कि जब डे में मैचेस होते हैं तो एक अल्लाह की तरफ से एक नेचुरल लाइट होती है, हर चीज़ ब्राइट होती है. लेकिन वहीं पे ही जब रात में मैचेस होते हैं तो पूरा एरिया में आप चाहे जितनी मर्जी फ्लड लाइट्स लगा लें, एक ख़ास एरिया तो शायद वहाँ पे लाइट एक हो जाए, लेकिन यू कैनॉट मेक दैट नाइट इन टू डे.
यू नो आप चाहे जितनी मर्जी फ्लड लाइट्स लगा लें लेकिन आप वो डे लाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते नाइट को. सो नाइट इज़ नाइट नो मैटर व्हाट वी डू. फिर लिबास का एक और मीनिंग है ऐपोश. तो अब रात किस तरह से ऐपोश होगी, यानी आपके जो भी गुनाह हैं, जो भी आपके ऐप हैं, वो रात की तारीकी में छुप जाते हैं. जैसे अगर कोई डाका डालता है, चोरी करता है या कोई किस्म का गलत काम करता है तो वो रात में छुप गए, तो ऐप सारे रात में छुप जाते हैं. फिर रात किस तरह से पर्दापोश है, यानी आपके जो भी मसाइल होते हैं, मसले मसाइल दिन के, वो रात के साथ ढक जाते हैं. यानी आप जब सुबह उठते हैं तो आपकी बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं, फिर सारा दिन आपको बहुत सी सोचें फिक्रें लाहक होती हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे जब आप घर आते हैं या रात होती है ऐसा ऐसा, तो आपके दिमाग पर बहुत कुछ छाया हुआ होता है, बहुत परेशानियाँ फिक्रें लेके आप रात तक पहुँचते हैं. तो फिर क्या होता है, आप सो जाते हैं और जब आप सुबह उठते हैं तो बहुत सी फिक्रें बातें तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी होती हैं, आप भूल जाते हैं वक्त के साथ साथ. तो एक इस तरह से जो रात है वो पर्दापोश है. एंड वन मोर एडिशनल पॉइंट इज़ दैट कि जो रात है वो डे के कंपैरिजन में थोड़ी ठंडी होती है, वेदर भी प्लेजेंट होता है और तारीख होती है यानी डार्क होती है. तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक गुड क्वालिटी स्लीप के लिए ज़रूरी होती हैं. इवन डे टाइम में भी इफ़ यू वांट टू टेक अ मिड डे नैप और अ पावर नैप, जैसे हमारी सुन्नत है कैलूला करने की, तो उसमें भी आप ऐसी जगह या ऐसा रूम देख रहे होते हैं जहाँ पे कम से कम डे लाइट आए और आप अच्छे से सो सकें. और इवन डे में भी आप बहुत से लोग कपड़ा आइस पे रख लेते हैं या फिर यू नो पीपल यूज़ दीज ब्लैक आउट स्लीप मास्क और आई मास्क. इवन रात में भी वो आई मास्क यूज़ करते हैं ताकि बिल्कुल भी लाइट ना आए और एक अनइंटरप्टेड स्लीप मिल सके, एक गुड क्वालिटी की स्लीप मिल सके. तो जाहिर है डे की जो स्लीप है उससे कहीं बेहतर रात की स्लीप है, अनइंटरप्टेड स्लीप गुड क्वालिटी की, क्योंकि नाइट डार्क होती है और एक एक प्लेजेंट ज़रा वेदर भी होता है, एक ठंडी रात भी होती है, तो जिसकी वजह से ये हमारे लिए रात एक बायस तस्कीन भी है, एक सुकून का ज़रिया भी है. जिस तरह से अल्लाह ताला ने इस आया में लिबास को और रात को इकट्ठे यूज़ किया है, सिमिलरली द ओनली टाइम अल्लाह मेंशंस नाइट एंड लिबास टुगेदर इज इन सूरह बकरा, जहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि बीवियाँ तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो. यानी हस्बैंड वाइफ आर लिबास फॉर ईच अदर, वो एक दूसरे का गारमेंट, एक दूसरे का लिबास हैं. सो नाइट बीइंग अ गारमेंट इज ऑल्सो एन इल्यूजनरी रेफरेंस to the spouse being a garment. Now what does it mean? मैं तफसीरुल कुरान में पढ़ रही थी कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, इसके क्या मीनिंग है. इसके बहुत से मीनिंग हैं. एक तो ये है कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत ही इंटीमेट, बहुत करीबी रिलेशनशिप होता है. तो ये ऐसा ही है जिस तरह से लिबास और बॉडी के दरमियान कोई चीज़ हाइल नहीं होती है, इसी तरह से हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी है. फिर दोनों एक दूसरे के राजदार हैं और राजदान हैं. फिर दोनों एक दूसरे की इज्जत के भी शरीक होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे की इज्जत हैं. फिर एक मीनिंग ये है कि दोनों एक दूसरे के लिए पर्दापोश हैं. ये जो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है ना, ये तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा करीब तरीन रिश्ता है. फिज़िकली भी, एज मेंशन इन दिस आया ऑफ सूरह बकरा के यू नो हस्बैंड वाइफ दे स्लीप टुगेदर एंड शी बिकम्स हिज गारमेंट एंड ही बिकम्स हर गारमेंट एंड यू नो, तो फिज़िकली भी एक सबसे करीब तरीन रिश्ता है और बाकी एस्पेक्ट से भी हर तरह से करीबी तरीन रिश्ता है. अब जो जिसके जितना ज़्यादा करीब होता है उतनी ही ज़्यादा उसकी खूबियाँ, उसकी खामियाँ जो हैं वो खुलकर सामने आने लगती हैं. और आप देखें कि जितना हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को जानते होते हैं ना, उतना कोई भी नहीं जानता. तो इट्स नॉर्मल कि जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के करीब हैं उतनी ही ज़्यादा आपको जो खामियाँ हैं और ऐप जो हैं एक दूसरे के नज़र आने लगते हैं. तो ये नॉर्मल होता है कि जितना ज़्यादा आप किसी की खामियों को जानते हैं उतना ही मुश्किल हो जाता है उसके साथ रहना. लेकिन अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, अल्लाह ताला चाहते हैं कि जिस तरह से एक जो लिबास है या कोई भी गारमेंट जो है हमारी बॉडी को छुपाता है, उसी तरह से
मियाँ बीवी भी एक दूसरे की ऐबों को, एक दूसरे की खामियों को छुपाएं, उन्हें कवर करें। एंड यू नो, जितना ये जो हस्बैंड वाइफ का एक मुकद्दस रिश्ता है, उतना ही ज़्यादा शैतान इसमें दरारें डालने की कोशिश करता है। और कई बार आपके लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि आपको लगता है कि जी बस आपका ही जो स्पाउस है ना, वो सबसे बुरा है और बाकियों के सारे अच्छे हैं। तो सुभान अल्लाह, दूर के डोल सुहाने, आपको लग रहा है कि दूर से जो दूसरों के जो स्पाउस हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन रियलिटी जो उनके करीब हैं वो उनको ज़्यादा जानते हैं। तो इसी तरह से हमें ये सब को सोचना चाहिए कि फूल के साथ कांटे भी होते हैं, ठीक है, गम के साथ खुशी भी है, ठीक है, मुश्किल के साथ आसानी भी है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी ऐसे ही बनाई है और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। तो जो भी हस्बैंड वाइफ हैं उन सब में कमियाँ भी होंगी और खूबियाँ भी होंगी, ठीक है। लेकिन जब एक इंसान एक किसी की अपने स्पाउस की सिर्फ कमियों को देखना शुरू कर देता है, उसके ऐबों को गिनना शुरू कर देता है, तो फिर ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर वही चीज़ उसके सर पे सवार होती है जब वो सिर्फ ऐबों को देख रहा होता है। क्योंकि जब इंसान किसी के ऐबों को काउंट करना शुरू कर दे, उस पर फोकस करे, तो उसके दिमाग में वही चीज़ रहेगी, फिर वो अपने स्पाउस के सामने भी उसका जिक्र करेगा और फिर बाकी लोगों से भी उसका जिक्र करेगा। जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के ऐबों पे नज़र रखते हैं, उसी को हाईलाइट करते हैं और वही चीज़ें मेंशन करते जाते हैं, तो ये चीज़ आपके खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस होती है। हर टाइम आपके सर पे यही चीज़ें सवार रहती हैं और आपको परेशान रखती हैं। सो द बेस्ट वे इज़ टू इग्नोर किया जाए, ऐबों को ढांपा जाए, कवर किया जाए। और क्या होता है जब एक स्पाउस जो हैं वो एक दूसरे के ऐबों को इग्नोर करते हैं, उनको कवर करते हैं और गुड क्वालिटीज़, उनके अंदर की जो अच्छी खूबियां हैं उनको हाईलाइट करते हैं, उन पे नज़र रखते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके अंदर शुक्रगुजारी आती है, आपके अंदर शुक्र के जज्बात आते हैं, फिर उसका असर आपके बच्चों पर पड़ता है, आपके बच्चे भी खुश रहते हैं, आपकी फैमिली में रिस्पेक्ट होती है, ओवरऑल आपकी ज़िंदगी एक खूबसूरत ज़िंदगी होती है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के ऐबों पे ही नज़र रखते हैं और हर वक्त उन्हीं को ही मेंशन करते रहते हैं, तो उसका असर क्या होता है, उससे आपके आपस में हर वक्त खटपट, झगड़े, और जिसका असर बच्चों पे भी पड़ता है, फिर आपके पेरेंट्स के लिए भी मसला और ओवरऑल सोसाइटी पे भी उसका असर पड़ता है। लेकिन हाँ, कभी लाइफ में कोई ऐसी सेंसिटिव सिचुएशन आ जाती है या कोई बहुत बड़ा मसला होता है जिसमें आपको लगता है कि किसी से डिस्कस करना बनता है, तो फिर आप अपनी फैमिली में जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई रिलीजियस स्कॉलर को अपनी प्रॉब्लम्स बता के उसका हल ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पेटी इश्यूज़ पे हर वक्त रोज़ छोटी छोटी बातों को मेंशन करना, फिर लोगों के साथ डिस्कस करना, हर किसी से मशवरा लेना, ये चीज़ें जो हैं ये कोई फ़ायदा नहीं देती। इससे सिर्फ और सिर्फ नाशुकरापन बढ़ता है और हर वक्त ये चीज़ें आपके जहन पर सवार रहती हैं। नॉर्मली ये देखा गया है कि फीमेल्स चूँकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और हर छोटी बात को दिल पे ले लेती हैं, तो इस वजह से वही ज़्यादा ये जो ऐप बयान करना और इसको डिस्कस करना ये कर रही होती हैं, और जिस वजह से फिर ज़ाहिर है नाशुक्री बढ़ती है। वो हदीस भी है ना जिसमें प्रोफेसर ने क्या फरमाया था कि उन्होंने सबसे ज़्यादा औरतों को जहन्नुम में देखा था, उसकी वजह क्या थी कि वो अपने हस्बैंड्स की नाशुक्रगुजार थी, नाशुक्री करती थी। एसेंस मैंने आपके साथ शेयर किया हदीस का, और हदीस शायद यहाँ पे आप देख भी रहे हों। तो वैसे आजकल अगर आप देखें तो मर्द भी वो भी बिल्कुल इतने क्लीन स्लेट नहीं हैं। आजकल मर्द भी उतनी ही इक्वली अपनी वाइफ्स के ऐबों को डिस्कस कर रहे होते हैं और मेंशन कर रहे होते हैं। तो बस इसका यही एक क्रक्स है कि मियाँ बीवी जब एक दूसरे के इस मुकद्दस रिश्ते को समझेंगे कि अल्लाह ताला ने कितना मुकद्दस और करीबी रिश्ता बनाया है, तो इसकी कदर आएगी और एक दूसरे के फॉल्ट्स को, ऐबों को इग्नोर करना आसान हो जाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा अल्लाह ताला के हुक्मों को हम फॉलो करेंगे, जो अल्लाह ताला ने बताए हैं, तो उतनी ही ज़िंदगी में सुकून आएगा और ख़ुशी आएगी। और मैं यहाँ पे ज़रूर ये एडवाइस दूंगी उन सारी सिस्टर्स को जो कि मैरिड हैं और अभी जिनकी शादी होने वाली है, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि हम अपने वेडिंग डे की तो बहुत प्लानिंग कर रहे होते हैं कि ये पहनेंगे, इस तरह से लगेंगे, वहाँ से मेकअप होगा, लेकिन जो ये इतना खूबसूरत रिश्ता
मैरिज को चलाना किस तरह से है, दोनों के हकूक क्या हैं, लड़के को भी पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए कि दीन ने उसके क्या राइट्स दिए हैं, लड़की को क्या दिए हैं। जब दोनों समझ के इस रिश्ते में जाएंगे तो ये ज़िंदगी खूबसूरत होगी, ये रिश्ता खूबसूरत होगा। आज की इस वीडियो से हम यही टेको मैसेज लें कि अल्लाह ताला की इस बहुत बड़ी निशानी पे हम गौर करें जो अल्लाह ने रात बनाई है, किस तरह से हमारे लिए बाइस तस्कीन है, हमारे लिए आराम का ज़रिया है, और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ी एक इनाम और एहसान है हम पे। फिर उसके बाद जिस तरह से लिबास और रात को मेंशन किया है एक मियाँ बीवी के रिश्ते के साथ, तो ये कितना मुकद्दस और पाकीज़ा रिश्ता है, इसकी वैल्यू करें और शुक्रगुजारी करें कि अल्लाह ताला ने एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जो एक कुर्बत, एक करीबी ताल्लुक रखा है, और इसी वजह से इस रिश्ते की अहमियत और इसकी वैल्यू को जानते हुए एक दूसरे की कदर करें, और जो भी एक दूसरे के ऐब हैं उनको इग्नोर करते हुए एक दूसरे की जो खूबियाँ हैं उनको हाईलाइट करें, और शुक्रगुजारी के साथ और सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारें। सो दैट वॉज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। आई विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।